हेलो एंड वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विसेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में मैं अनुराग आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको पता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए हम लोगों की क्लासेस चल रही है पर डे 5, 12 बजे, 3 बजे एंड 5, ठीक है ना। तो इसमें जो क्लासेस चल रही है उस क्लासेस के अकॉर्डिंग हम लोगों को आज जो हमारा जो टर्न है वो केमिस्ट्री का है दोस्तों। तो आइए, हम लोग केमिस्ट्री का पहला ये मॉक है, इस मॉक को सॉल्व करेंगे और आप इसके आंसर्स बिल्कुल बताएंगे, आई होप, ठीक है। पहला क्वेश्चन बोलता है कि आणविक संरचना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन है जो सही है, ठीक है। चार कथन दिए गए हैं, इन चारों में कोई तीन गलत होगा और एक सही होगा। बहुत ही गौर तरीके से आपको देखना है, यह एग्जाम में आ चुका है, RAS, RTS है 1992 में। तो क्वेश्चंस के बारे में आपके देखते हैं, क्वेश्चंस में जो पहला है वो कहता है कि न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं और तथा प्रोटॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। एक तो पहला ये है कि न्यूक्लियस के अंदर दोस्तों क्या बोला है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, और सॉरी न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो प्रोटॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, इसके इर्द गिर्द दोस्तों क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। सेकेंड वाला है, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन न्यूक्लियस में होते हैं तथा प्रोटॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। थर्ड वाला है, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। एंड अ फोर्थ होगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन सभी न्यूक्लियस में होते हैं। तो आपसे पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सा है, तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा सी, इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ओर मूव करेंगे। सेकेंड नंबर का जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। आपके पास कथन एक है जिसका नाम है, आर्नेस्टी रदरफोर्ड ने रॉयल सोसाइटी के समक्ष कहा था कि मनुष्य को नाभिकीय शक्ति कभी नहीं उपलब्ध होगी। ये कथन है और ये बहुत ही अच्छा एग्जाम पे आया हुआ है, हालांकि इसके जो ऑप्शन है वो दूसरे पेज में रह गए हैं गलती से। कारण इसका यह है कि उसे ये विश्वास था कि आइंस्टीन का नियम फेल हो जाएगा और मात्रा ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होती है, होगी। नीचे दिए गए आपको कोड की योजनाओं में से उसका उत्तर का चयन करना है। यह एग्जाम में आ चुका है UPPCS 1994 में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये जो फोर्थ चार ऑप्शन हैं, इन चारों ऑप्शन को देखते हैं। कहते हैं कि दोनों कथन ए तथा ए का सत्य सही है तथा बड़ा आ मतलब आ सही कारण। यहाँ पर देखिए आपको जो ऑप्शन आ बा करके दिए जाते हैं ना वो नहीं दिए गए हैं, एक जगह जो कथन था वो आ दिया था और कारण इसका बड़ा आ दिया था, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसको उन्होंने आ और बा या ए और बी के अलावा दे दिया गया है, ठीक है। तो इसका दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा दूसरे का ए। दोनों कथन ए तथा आ दोनों सत्य है और आ का सही कारण है, ओके। क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं, थोड़े से डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन हैं ये। थर्ड कहता है कि निम्न में सम न्यूट्रॉनिक समूह, समझिएगा सम न्यूट्रॉनिक समूह RAS, RTS 1999, 2000, ओके। इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये ऑप्शन है पहला C6 12 7 4 7 एंड 14, O8 O16, मतलब ऑक्सीजन नाइट्रोजन और कैल्शियम के बारे में बोला गया है, सॉरी कार्बन के बारे में बोला गया है दोस्तों। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, ये थर्ड का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका डी इज द राइट आंसर, ओके। क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ मूव करेंगे। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन क्या है, अब आपको सारे क्वेश्चन सीरीज से मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति संकेतों को निम्न प्रतिरोध क्षेत्र से उच्च प्रतिरोध क्षेत्र में आंतरित कर देती है। देखिए दोस्तों ये एक टेस्ट पेपर है और टेस्ट पेपर में मैं मान के चल रहा हूँ आपकी जो केमिस्ट्री की तैयारी है दोस्तों बहुत अच्छी होगी, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डीप आपको बताने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। ये सारे लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, ये मॉक आपका फर्स्ट है, केमिस्ट्री का मॉक फर्स्ट है। ऑप्शन है डायोड, ट्रांजिस्टर, संधारित या प्रेरक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रांजिस्टर, ओके। राइट आंसर विल बी ट्रांजिस्टर, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की तरफ मूव करेंगे। कह रहा है कि कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित होता है, उत्सर्जित करता है, क्या उत्सर्जित करता है ये आपको बताना है। ये IAS के एग्जाम में 1992 में पूछा गया प्रीलिम्स में। ऑप्शन है अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज या एक्स रेज, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, गामा रेज। क्वेश्चन नंबर सिक्स, निम्न विकिरण
प्रकार में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है? निम्न विकिरण प्रकारों में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है? ऑप्शन है ए दृश्य किरणों में, बी एक्स रेज में, सी अल्ट्रावायलेट में, या डी इंफ्रारेड में। ठीक है, तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। राइट आंसर विल बी हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करेंगे। 7 कहता है कि विद्युत उत्पन्न करने के लिए निम्न में से कौन सी धातु का उपयोग होता है? विद्युत को उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का यूज करते हैं? तो कौन सी धातु का यूज करते हैं वो दोस्तों है यूरेनियम धातु का यूज करते हैं, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम। ठीक है ना, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन एक कण परमाणु कण नहीं है? आपको बताना है जो न्यूट्रॉन्स है, ठीक है, ये जो प्रोटॉन्स है या इलेक्ट्रॉन्स है, सॉरी ये इलेक्ट्रॉन्स है, ड्यूटॉन है, ठीक है ना। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक परमाणु कण नहीं है। तो दोस्तों ये इसमें से कौन सा एक परमाणु क्रम नहीं होगा, वो हो जाएगा सी, जो इसका है वो परमाणु नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करेंगे। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? तो इसको वीडियो को मैं पॉज कर देता हूँ, या आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और पॉज करने के बाद इसका राइट आंसर बताइएगा, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो इन सब में से कौन सा एक राइट आंसर है? वो राइट आंसर है दोस्तों बी। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है एटम बम के सिद्धांत पर आधारित है। आपको पता है चार ऑप्शन है, बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, क्लास 10th में आपने पढ़ रखा होगा इस एटम बम के बारे में। ओके, तो आपने क्लास 10th में पढ़ रखा होगा इसके बारे में। तो आइए देखते हैं आपके पास जो चार ऑप्शन है, इन ऑप्शन के बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि जो 10th का राइट आंसर होगा वो राइट आंसर हो जाएगा ए। ओके, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? आपके पास ऑप्शन है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, परमाणु, आयन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों प्रोटॉन। ओके, प्रोटॉन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु का भाग नहीं है? कौन सा ऐसा पार्ट है जो परमाणु का भाग है ही नहीं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या फ्रोटॉन? तो ये परमाणु का भाग नहीं है, डी इज द राइट आंसर, प्रोटॉन, फ्रोटॉन जो परमाणु का भाग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा सर्वाधिक पर्यावरण अनुकूल है? चार ऑप्शंस दिए गए हैं आपके पास, पेट्रोलियम उत्पाद, नाभिकीय विखंडन, वन उत्पाद या सौर सेल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, सौर सेल। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि समृद्ध यूरेनियम होता है, और समृद्ध यूरेनियम किसको बोलते हैं आपको बताना है। समृद्ध यूरेनियम जो होता है इसके आपको चार ऑप्शन दिए गए, विशेष खोल में रखी यूरेनियम की छड़ कहलाती है, प्राकृतिक यूरेनियम जिसमें रेडियोधर्मी U235 आइसोटोप्स का एक घटक है, कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है। थर्ड बोलता है कि प्राकृतिक यूरेनियम और थोरियम का मिश्रण है, एंड डी है क्रोमियम की कोटिंग की हुई यूरेनियम की छड़ है। तो क्वेश्चन क्या होगा, 14 का आंसर विल बी बी। 15 पे आते हैं, हाइड्रोजन बम निम्न में से किस सिद्धांत पे कार्य करता है? ये आपका UPPCS 2010 का क्वेश्चन है। ओके, 2010 में आता है, UPPCS 2010 में आता है। हाइड्रोजन बम निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है? पहला आपका है नाभिकीय नियंत्रण, अनियंत्रित नियंत्रण, अनियंत्रण विखंडन, अनियंत्रण विखंडन, नियंत्रित संलयन, अनियंत्रित संलयन। ठीक है, तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 15 का राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर मूव करेंगे। 16 नंबर का क्वेश्चन बोलता है कि सौर सेल परिवर्तित करती है, जो सौर सेल है ना वो क्या परिवर्तित करती है आपसे पूछा गया। पहला है प्रकाश ऊर्जा को ऊर्जा में, सौर ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सौर ऊर्जा को ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा में। तो दोस्तों क्या करती है, 16 का राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है? ऋणात्मक आवेश बताना, अल्फा रेज में, बीटा में, गामा में, या बीटा में या अल्फा में, ठीक है ना, या अल्फा किरणों में। तो आपको राइट आंसर बताना है, 17 का राइट आंसर सी है। डी पे आते हैं, 18 नंबर पे कह रहा है कि किसी विघटना भी तत्व की अर्ध आयु 5 वर्ष की जाती है, 20 वर्ष बाद विघटना ना भी पदार्थ का जो अंश बच जाता है वो क्या कहलाता है? तो वो कितना बचेगा दोस्तों, 1/6, आपने टी हाफ वाला शायद फॉर्मूला पढ़ा होगा, तो इसमें 1/6 16 आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ मूव करिए। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि सूर्य को रेडिएंट ऊर्जा किससे उत्पन्न होती है? तो आपके पास चार ऑप्शन है, नाभिकीय विखंडन, बी है नाभिकीय संलयन,
कन्वेंशन या कॉस्मेटिक रेडिएशन। तो ये हो गया जाएगा इसका दोस्तों बी इज द राइट आंसर, नाभिकीय संलयन। क्वेश्चन नंबर 20 की तरह मूव करें। 20 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। आपके पास चार ऑप्शंस हैं, आपको पढ़ना है क्या नाभिकीय एवं क्या संलयन एवं विखंडन दोनों में समान ऊर्जा उत्सर्जित होती है। संलयन में प्रति इकाई द्रव्यमान में उत्सर्जित ऊर्जा विखंडन में प्रति इकाई द्रव्यमान में उत्सर्जित ऊर्जा से ज़्यादा होती है। विखंडन में प्रति परमाणु उत्सर्जित ऊर्जा संलयन में उत्सर्जित ऊर्जा से अधिक होती है, या विखंडन में प्रति इकाई द्रव्यमान की उत्सर्जित ऊर्जा संलयन में प्रति इकाई द्रव्यमान की उत्सर्जित ऊर्जा से अधिक होती है, आपको बताना है। ओके, तो 20 का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। 21 कहता है कि सूर्य में नाभिकीय ईंधन है, सूर्य में नाभिकीय ईंधन है हीलियम, यूरेनियम, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन। आपके पास चार ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शंस को आपको देखना है, उसके बाद इसका राइट आंसर बताना है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, पेयजल में गामा उत्सर्जन समस्थानिक है या नहीं, इसकी पुष्टि निम्नलिखित में से किससे की जा सकती है। सूक्ष्मदर्शी से, सीसा पट्टिका से, प्रसूफीकरण गणना से या स्पेक्ट्रमी प्रकाश मापी से। तो दोस्तों किससे की जाएगी, ये की जाएगी आपका प्रसूफीकरण गणक से। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ मूव करेंगे। कह रहे हैं कि हीलियम के नाभिक में क्या होता है, केवल एक प्रोटॉन, दो प्रोटॉन, एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन, दो न्यूट्रॉन। तो क्या होगा दोस्तों, दो प्रोटॉन एंड दो न्यूट्रॉन्स। ओके, दो प्रोटॉन एंड दो न्यूट्रॉन्स इसके बीच में होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। कह रहा है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर का काम कार्य होता है, जो मॉडरेटर होते हैं उनका क्या काम होता है। आरआरबी इलाहाबाद लोको पायलट में पूछा गया था। आपके पास चार ऑप्शंस हैं, इसमें आपको पढ़ना है और बताना है कि इसका क्या कार्य होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा बी। देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें बताने लायक है नहीं, मतलब आप खुद जब इसको पढ़ेंगे अच्छे से तब समझ में आएगा, नहीं तो ऐसे वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, फिर टेस्ट का कोई मतलब रहेगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 25 में, नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है। ट्रिगर एक शब्द है नाभिकीय विखंडन में, वो किस चीज़ से रिलेटेड है ये पूछने की कोशिश है। तो दोस्तों है वो न्यूट्रॉन से रिलेटेड है। ओके, न्यूट्रॉन से रिलेटेड वो पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ मूव करते, कह रहे हैं रेडियोधर्मी का आविष्कार किसने किया था, आरआरबी इलाहाबाद में पूछा गया था। तो ये सत्येंद्रनाथ बोस ने, अल्बर्ट आइंस्टीन ने, रॉबर्ट कोच ने या हेनरी बैकुलर ने। तो दोस्तों हेनरी बैकुलर इज द राइट आंसर, डी। क्वेश्चन है, पोखरण नाभिकीय परीक्षण 1974 का आधिकारिक कोड क्या था। एक कोडिंग हुई थी, उसमें आपको आधिकारिक कोड बताना है कि उसका आधिकारिक कोड क्या था दोस्तों। तो इसका आधिकारिक कोड हुआ करता था उस समय स्माइलिंग बुद्धा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, स्माइलिंग बुद्धा नाम से ये पोखरण परीक्षण हुआ था, ये याद रखना है। तीन प्रकारों में से रेडियो सक्रिय अवयव द्वारा संक्रमित विकिरणों में कौन से एक्स किरण की तुल्य है किंतु कम तरंग दैर्ध्य की है। अल्फा विकिरण, बीटा विकिरण, गामा विकिरण है, इनमें से कोई नहीं। आपके पास चार ऑप्शन हैं, चार ऑप्शन हैं, इनमें आपको बताना है कौन सा राइट है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्या रहा है कि कल्पक्कम की फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन है। आपसे पीसीएस का यह क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था उस समय का, और आज भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस में इसकी गिनती होती है। तो 29 का दोस्तों आंसर क्या होगा, 29 का इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, प्लूटोनियम। और लास्ट क्वेश्चन आज का है, कह रहा है कि एक ब्रीडर रिएक्टर वह है, आपके पास ऑप्शन है, बताइए क्या है। इसको कॉपी में दोस्तों जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, उससे फ़ायदा यह रहेगा कि जब भी आप एग्ज़ाम से पहले जाने वाले होंगे तो आप इन सब चीज़ों को क्या कर पाएंगे, बहुत अच्छे से रिवीजन कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए इसका जो क्या होगा, एक ब्रीडर रिएक्टर क्या होता है, जो विखंडन होने वाले पदार्थों को उससे अधिक उत्पन्न करता है जितना वह जलाता है। ओके, सी इज द राइट आंसर। तो आप बताइएगा आपने कितने अटैम्प्ट करे हैं 30 में। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। कुछ लोग ये कहेंगे सर आपने एक्सप्लेनेशन नहीं किया। दोस्तों एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा नहीं करना था इसमें, अगर एक्सप्लेनेशन करूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा होगा, फिर टेस्ट का कोई मतलब नहीं बनेगा।
ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन जहाँ मुझे जरूरत पड़ेगी मैं एक्सप्लेनेशन करूँगा, और क्योंकि आपसे वादा है कि हम लोग मॉक कराएंगे, हम लोग प्रैक्टिस कराएंगे, तो मैंने प्रैक्टिस पे ये आपको जो एक पेपर है जो केमिस्ट्री का फर्स्ट पेपर है वो मैंने डाल दिया है। तो चलते हैं दोस्तों, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से ऐड होने के लिए या जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।